हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लिक उजमन चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, दोबारा से वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखेंगे, अब हम ये चीज़ सीखेंगे कि यहाँ ऐसे हम किस तरह भी किसी भी पार्ट्स के अंदर हम इस तरह कैसे सुराख बना सकते हैं, और इस किसी भी ऑब्जेक्ट, हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट में ज़रूरत पड़ती है बाद में उनको शेल करने के लिए। ये शेल, ये टूल अब हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैसे हम करेंगे तो ये देखते हैं। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। एक और दूसरा हम ये देखेंगे कैसे हम इसको ये समझेंगे, यहाँ से बारीक है, यहाँ से थोड़ा सा मोटा है, यहाँ से बिल्कुल इसकी मोटाई है, तो इसको कैसे हम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं। तो चलिए, हमें न्यू चाहिए यहाँ पे, न्यू, ओके। कोई भी आप कोई सा भी बना ले, मैं सिर्फ एक 3D सेम वैसे का वैसा बनाना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसको वैसा बना लें, ओके। ओके करने के बाद इस फेस को सिलेक्ट करें जी। सिलेक्ट करने के बाद आप कन्वर्ट एंटिटी इसको कर दें। कन्वर्ट एंटिटी करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है अपने पिछले लेक्चर्स में, तो इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है कि ये कन्वर्ट एंटिटी और ये सारे टूल, हर चीज़ मैंने क्लियर की हुई है, ठीक है जी। तो ये कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे शेल करना है। अब ये मैंने ना एक प्रोजेक्ट बना लिया, 3D प्रोजेक्ट। अब तो मुझे ज़रूरत है अंदर से बिल्कुल मुझे खाली ये चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा। तो फ्रेंड्स, करने का सिर्फ एक तरीका ये है, शेल पे जाएं, यहाँ पे ये फेस सेलेक्ट करके कितना उसकी जो किनारे हैं उसके कितने मिलीमीटर होना चाहिए, उस किनारों को, उस किनारे को आपने जो ये जो हमारी साइड्स हैं वो होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ये वो हो जाए, ठीक है, 10 मिलीमीटर ही रहने देते हैं, ठीक है। ये देखें, बहुत ही ये जो किनारे 10 मिलीमीटर मोटे हैं, तो अंदर से उसने बिल्कुल शेल लास्ट तक कर लिया, हालांकि ये भी वाल 10 मिलीमीटर है। तो फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है कि यहां से जो है ना 10 मिलीमीटर नहीं है, यहां से 3 मिलीमीटर है, तो यहां से जो है ना 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, फिर मैं शेल पर नहीं जाना, मुझे दोबारा इसी पर जाना है जो मैंने शेल किया हुआ है। उसके बाद मुझे ना मल्टी थिकनेस के ऊपर, मल्टी थिकनेस के ऊपर आके मुझे यहाँ से कितना करना है, ये किनारा जो है मुझे करना है 1 मिलीमीटर, ठीक है। और ये जो दूसरी साइड है, मैं कहता हूँ ये जो मेरी साइड है वो भाई मेरी ये में जो साइड है ना मेरे पास है 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शेल का तो मैंने बताया, अब हम जो मल्टीपल थिकनेस को देखते हैं, ये देखें फ्रेंड्स, ये 1 मिलीमीटर है, ये 3 मिलीमीटर है। तो ये सिंपल सा फंडा था शेल को इस्तेमाल करने का। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी है ना यार, आप उसको आराम से शेल कर सकते हैं। चले, मैं अभी आपके सामने एक और मतलब एक मिसाल, एक बहुत अच्छी सी मिसाल ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स, ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेने लगा हूँ, कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है जी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, तो ये हो गया हमारे पास स्वेप्ट बोस सर्कुलर, और इसको हम ले लेते हैं, इसको ये देखेंगे, ठीक हो गया। अब इस तरह का है, अब ये हमें पाइप बनाना है। अब पाइप को, पाइप तो हमने बना लिया, तो भाई इसको हमने अंदर से खाली कैसे करना है, तब हमारा शेल इस्तेमाल होगा यार। यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ये इसकी इसकी जो वैसे ही हमारे पास जो इसकी लेंथ है, इसकी जो बहुत ही कम है थिकनेस, तो इसलिए मैं कहता हूँ 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो दूसरा फेस भी आपने सेलेक्ट करना है इसी से, इसी फेज में करना है, ठीक है, ना कि मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल थिकनेस में जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके कर देना। ये देखिए, 1 मिलीमीटर थिकनेस के ऊपर उसने पाइप को बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक उसने बिल्कुल एक पाइप बना दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप शेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बड़े ही अच्छे तरीके से। तो कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैसा भी प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। मैं एक और सोच आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें यार, आप एक गाड़ी बनाते हैं, ठीक है,
मैं आपको आप सर्च करें, कोई भी आप बॉडी बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, उसको 3D में बनाते हैं, बाद में उसकी उस चादर बनाने के लिए या कैसे भी करने के लिए उसको आप शेल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कॉन्सेप्ट है वो, लेकिन वो शीट मेटल पे काम होता है वो। एक एक जब हम यहाँ पे आएंगे, जो गाड़ियों की मतलब जिस पे हम गाड़ियों के ऊपर काम, गाड़ियों के जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तब हम शीट मेटल को इस्तेमाल करेंगे। शीट्स के साथ ही वो सारा कुछ बनेगा, कुछ सरफेस के साथ बनेगी, कुछ शीट मेटल के साथ। ये टूल ये जो है ना, बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शेल की जो है ना अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।